दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में, मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बना रहे वीडियो इन द टॉल ग्रास के ऊपर, यानी कि उसका एंडिंग के ऊपर। काफी लोग कंफ्यूज थे कि यार उन लोगों को उसका एंडिंग समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा उनको स्टार्ट से एंड तक पूरी की पूरी फिल्म समझाने की। तो जिन लोगों ने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो भाई इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने देख चुके और इसका एंडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यार इस वीडियो को जरूर देखना और आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और इस वीडियो को लिंक को जितना हो सके आप लोग शेयर करें, आप अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जितना हो सके शेयर करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जितनी भी मेरी मेहनत है वो मेहनत रंग लाएगी अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे। तो ज्यादा समय ना ले तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। फिल्म की एंड में ऐसा बताया कि बैकी और कार्ल उस ग्रास की फील्ड में नहीं जाते क्योंकि उन्हें टॉबिन मना कर देता है। अब लोग इसकी एंडिंग से काफी कंफ्यूज है, इसके लिए आपको स्टार्ट से समझना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत होती है बैकी और कार्ल से जो सैन डिएगो जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में बैकी को वॉमिट आती है, वो कार से उतरती है, तभी अचानक उसे एक बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा उसे हेल्प के लिए पुकारता है। जैसे ही दोनों फील्ड में घुसते हैं धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ जब वो दोनों एक दूसरे को पुकारते हैं कभी आवाज लेफ्ट से आती है तो कभी आवाज राइट से आती है और मानो वो फील्ड एक भूलभुलैया जैसी लगती है। लेकिन उसके बाद ट्रेविस जो बैकी का एक एक्स बॉयफ्रेंड वो भी इस फील्ड में आता है बैकी और कार्ल को ढूंढते हुए। अब यहाँ पर गौर से सुनो, जब बैकी की कार ट्रेविस चर्च के बाहर देखता है, कार के ऊपर बहुत दूर रहती है और कार में एक रखा बर्गर में कीड़े लगे होते हैं। इसका मतलब या तो ये कार यहाँ काफी हफ्ते से होगी या महीनों से, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होता। खैर जब आगे ट्रेविस बैकी और वो कहता है तुम लोग 2 महीने से गायब हो, लेकिन बैकी और कार्ल के लिए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ था। अगर फील्ड में बिता एक दिन बाहर की दुनिया में 2 महीना है, मतलब जब से बैकी और कार्ल आए हैं इस दौरान टोटल 6 बार वो इस फील्ड में आ चुके हैं। नहीं समझे अब तक? अगर आप मूवी ध्यान से देखे हो तो ट्रेविस को बैकी की डेड बॉडी मिलती है जो सड़ चुकी होती है। ये बैकी वो थी जो पास्ट में आई थी, लेकिन उस वक्त ट्रेविस ये समझ नहीं पाता। अब बात करते हैं उस वक्त की, जब टॉबिन अपने मॉम और डैड के साथ फील्ड के बाहर होता है। टॉबिन एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो टॉल ग्रास से बाहर आ पाता है। इसके बाहर आने के बाद ही ये सारा लूप खत्म होता है। अब वो कैसे होता है हम लोग उसकी आगे बात करेंगे। क्योंकि टॉबिन ग्रास में जाता है ट्रेविस की वजह से, ट्रेविस जाता है बैकी की वजह से और बैकी जाती है टॉबिन की वजह से। इसको कहते हैं टाइम लूप। मजाक में कहे तो दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा, जैसे हम उसका कोई लॉजिक नहीं बता सकते वैसे ही इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि फील्ड में पहले कौन आया, ट्रेविस टॉबिन या बैकी। अब ट्रेविस ने लास्ट में खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया ये जानने के लिए हमको टॉबिन की फैमिली और रॉस यानी पैट्रिक विल्सन के कैरेक्टर को जानना पड़ेगा। जो ब्लैक रॉक था वो रॉस के मुताबिक वो पत्थर सेंटर ऑफ अर्थ है, उसे वो एज गॉड की तरह यहाँ बताता है। अगर वहाँ के चर्च पर आपने गौर किया था तो उस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ ब्लैक रॉक, मतलब वो चर्च किसी गॉड के लिए नहीं बल्कि उस ब्लैक रॉक के वर्शिप के लिए बनाया गया था, इसीलिए उसमें कोई मूर्ति भी नहीं थी। उस चर्च में एक दरवाजा था जो अंदर से लॉक था, सिर्फ टॉबिन ही उसको खोल पाए क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट किया था ट्रेविस ने। ट्रेविस ने जैसे ही उस पत्थर को टच किया उसको पत्थर ने सारे पावर्स दे दिए, पावर्स जैसे कि बाहर जाने के हिडन रास्ते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से निकल सकते। उसका एक एग्जांपल हमने मूवी में देखा था जब वो डॉग एक सिंग में फील्ड में से निकल के सीधा चर्च की तरफ निकलता एक होल में से, तो यार वो एक हिडन रास्ता था जो वहाँ पर कहीं है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, वो उन्हीं को पता चलता जो उस रॉक पर हाथ लगाते हैं। इसी खुफिया रास्ते की मदद से रॉस सब विक्टिम्स को पकड़ता था, लेकिन ब्लैक रॉक को जो टच करता था वो धीरे धीरे उसे बुरा इंसान बना देता था जैसे रॉस हुआ था। फिल्म की स्टार्ट में उसको एक अच्छा इंसान बताया था लेकिन बाद में एक डेविल जैसा, मानो उसमें इंसानियत खत्म हो गई हो। एक सीन में जब बैकी ब्लैक रॉक के साइड दर्द से बेहाल थी तभी वहीं पे जमीन में बहुत सारे लोग बताए, ये सारे वही लोग की आत्मा थी जो उनसे पहले इस फील्ड में आई थी, क्योंकि इसका प्रूफ चर्च के बाहर खड़ी काफी कार्स थी। और देखा जाए तो हमें सिर्फ एक लूप दिखा जिसमें ट्रेविस टॉबिन और बैकी थे, पर इसके अलावा वहाँ और भी कई लूप थे जो हमें बताया नहीं गया। अब एक और सवाल, फिल्म के एक सीन में कुछ ग्रीन मॉन्स्टर टाइप लोग बताए थे, वो लोग कौन है?
ब्लैक रॉक के पीछे की ताकत वही ग्रीन लोग थे। वो वहाँ मर जाते लोगों को खाते थे, उनसे वो लोग सरवाइव करते थे, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज होगी तो लैंड में जाएगी और लैंड से फर्टाइल होगी तो ग्रास को मिलेगी। ऐसा वो लोग का सर्वाइवल चलता था। लास्ट में जब ट्रेविस रॉस को मार देता है और ब्लैक रॉक को उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और ब्लैक रॉक उसे भी बुरा इंसान ना बना दे, इसलिए वो टॉबिन को बैकी की डेड बॉडी से लिए नेकलेस देता है और कहता है कि बैकी को देकर बताना कि ट्रेविस उसे बहुत प्यार करता है। और वो टॉबिन को ट्रांसपोर्ट करता है। टॉबिन बैकी को मिलकर नेकलेस देता है। इस बार बैकी ना फील्ड में जाती है ना सैन डिएगो, लेकिन वो टॉबिन को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो फाइनली इनका लूप खत्म हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जितने थे उनका भी हुआ। एक लूप एक सर्कल है जो हमेशा चलता रहेगा जब तक ये टूटे ना। तो अगर इस मूवी की बात करूँ तो ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। काफी हट के अलग ट्विस्ट था और जो ये ट्विस्ट को जो हम लोग समझने की जितनी मैं कोशिश का मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।